Hey guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Sorry, मैंने सोही को नहीं बुलाया. ये रही सोही. Good morning guys. जोर से. Welcome back to our YouTube channel. आप लोग हम सोच आज लेट हो गया वैसे. Actually आज फर्स्ट डे था स्कूल का, बच्चों के स्कूल का. तो काफ़ी टाइम के बाद स्कूल भेज रहे थे तो बहुत हबड़ तबड़ में थे हम लोग. सुबह बहुत रश में थे. हेलो, तो बहुत मुश्किल से हमने उन्हें स्कूल भेजा. अंश बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया. अर्निक तो रोया नहीं, अंश बहुत रोया. बड़ी मुश्किल से छोड़ कर, पर क्या करें, स्कूल है तो भेजना तो पड़ेगा ही. तो बस यही है आज का दिन. अभी हमें एक्चुअली मार्केट जाना था किसी काम से, पर अभी हम लोग जा नहीं पाएंगे, कुछ काम आ गया. तो बस हम अभी पहले वो काम करेंगे, कल शायद हम लोग जाएंगे. गाइस, आज मैं क्लास नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास आज गाड़ी नहीं थी. डैडी को कहीं जाना पड़ा. मैं रेडी थी पर आज एक्चुअली डैडी को कहीं जाना था अर्जेंट ना किसी काम से, तो वहाँ चले गए थे तो फिर मैं नहीं जा पाई. बट कोई नहीं, मैं कल भी शायद मैं ना जा पाऊँ क्योंकि कल हम लोग को कहीं जाना है. अभी मेरा एक दो दिन ऐसे ही हो जाएगा मुझे लग रहा है. बट एनी वेज, मैं आपको ये बता रही थी कि 22 को बहुत बड़ा दिन है, जो कि आपको सबको पता है कि उस दिन जो है हमारे अयोध्या में राम जी पधार रहे हैं. तो वहाँ के उपलक्ष में, वहाँ के शुभ उपलक्ष में ये यहाँ पे एक हमें इनविटेशन आया है, जो कि हमारे ही घर के बगल में एक गार्डन है, वहाँ पे आयोजन कर रहे हैं ये आपका एक प्रोग्राम है जो कि रामा गार्डन सुभाष चंद्र बोस के पास. yes. तो ये रह रहे हैं आज, इन्होंने भी टोपी पहनी. तो उनके शुभ उपलक्ष में जो है वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है. God, what a Hindi. एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बहुत अच्छा देने के, क्योंकि उस दिन जिसमें हम अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं, हम अपने एक नृत्य की प्रस्तुति देने. Oh my God. एक नृत्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं. एक्चुअली वहाँ के जो जो वहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया था कि आपके आमंत्रण दिया था. आमंत्रण दिया है कि आप आइए 22 को और वहाँ पे आपके द्वारा हमें एक नृत्य, एक हम चाहते हैं कि आप करें, जो कि उन्होंने हमें बुलाया था. तो हमें वहाँ पे एक परफॉर्मेंस देनी है. एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग उस गाने में, सॉरी, ऑलरेडी उस गाने में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और अचानक से हमें कॉल आ गया. तो भगवान चाह रहे हैं कुछ अच्छा हमारे लिए, हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकते हैं. तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. हम लोग को वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, घर वाले तो खैर पूरे सपोर्ट ही करते हैं हम लोग को, कि कहते हैं कि काम छोड़ दे, मम्मी कहती काम छोड़ दो, तुम लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो. पर ऐसा भी नहीं होता ना गाइस. हाँ, तो डैडी भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ चलो, बड़े ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते ना. तो अब हम लोग वहाँ पे करेंगे परफॉर्मेंस, उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा. अभी हम लोग रोज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस, जब जब हमें टाइम मिल रहा है, रूम के अंदर, किचन में, जो कि हमारा स्टेज ही है, हमारा वो है, वो स्टेज नहीं देते, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस रूम, हमारा प्रैक्टिस रूम है हमारा किचन. हाँ, मतलब वही हॉल रूम जो भी बोलो. तो वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. तो अभी दीदी जाएगी अंशो लेने के लिए भैया के साथ. चल देन, आप लोग हमें मिलते रहिए. मिलते रहिए मतलब, चलिए गाइस, कॉल आ रहा है मेरा. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो गाइस, आज हम आए थे यहाँ पे बर्गर किंग में, अंश को बर्गर खाना था. हम एक्चुअली डॉक्टर के पास आए थे, अंश का रूटीन चेकअप था एक लास्ट, तो उसके लिए आए थे. स्कूल के बर्थडे के लिए इसको लेकर आया था, इसने बोला कि मम्मा मुझे बर्गर खाना है, बर्गर खाना है. तो हम इसको बर्गर किंग लेकर आए थे. तो अपना बर्गर इन्जॉय कर रहा है. देखिए, साथ में इसने अपने लिए किंडर जॉय भी ले लिया था. मैं परी हूँ, परी. ची ची. परी नहीं, परा है, परा. पे फरमाइश कर रहा, देखो कितना खुश है ये. आने के लिए हमने बर्गर पैक करवा दिया था, बिकॉज उसका स्कूल एक्चुअली लेट तक होता है, तो उसको हमने पिक नहीं किया था. अभी हमने सिर्फ अंश को पिक किया था. तो यहाँ से हम सीधा डॉक्टर के पास आए थे और उसके बाद सीधा बर्गर खाया और उसके बाद हम सीधा घर गए. नीचे बैठो, खा नाना. क्या खा रहा है नाना? ये बर्गर खा रहा है. इधर कैमरे में ये मैं डॉगी को गलाने डालो. अगर जो ये
बोंगे पापा। क्या पापा? बोंगे पापा। बोंगे? मैं खाऊंगा, एक डॉगी को दे दूंगा। अंश ये जो पीस है छोटा सा स्लाइस डॉगी को देने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक डॉगी के पास पहुंचेंगे तब तक अंश ही खा लेगा। तो गाइस अंश ने अपना बर्गर खा लिया है। अंश को बहुत देर से बर्गर खाने का मन कर रहा था, है ना अंश? नहीं। तो गाइस को बता दो। नहीं गाइस, देखो ना मम्मा ने मुझे नहीं खिलाया। इतना झूठ बोल रहा है, वीडियो बन रखी है बेटा। झूठा एक नंबर। क्या हुआ? चलो गाइस मिलते हैं बाबा आपको घर जाके। आज ही टॉर्च जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। कैसा था नानो ये गाना शुरू से? टाइम हो गया मेरे अकेडमी जाने का। मुँह से आवाज़ क्यों निकल रही? एक्चुअली मैं बेबी सो रहा है यहीं पगल के रूम में, पर मैं लेटी थी ना तो इसलिए मैं गला बैठ गया। तो अब मैं जा रही हूँ अकेडमी, मेरे बच्चे आ गए होंगे, मिलती हूँ मैं आपको शाम को। हे गाइस, तो अब हम सीधा रात को मिल रहे हैं आपको, क्योंकि हमें आज एक्चुअली कहीं शादी में जाना था, किसी के पार्टी फंक्शन में जाना था, तो बस वहीं जा रहे हैं। अब हम वहाँ जाके पता नहीं शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ होती है बहुत ज़्यादा शादियों में, तो थोड़ा सा हमें अनकम्फर्टेबल होता है। अभी हम उतना ज़्यादा यूज टू नहीं हो गए थे कि हाँ, तो अभी हमें उतना यूज टू नहीं हो रखा था, हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो विल ट्राई कि हम वीडियो बना पाए, बाकी हम पूरी पलटन जा रहे हैं, वो आगे दो जाने तीन जाने बैठे, एक ये बैठा हुआ है, इज सो एक्साइटेड। इसको हम लेके नहीं जा रहे थे, दादा एक साथ छोड़ रहे थे, इसने पता नहीं कैसे देख लिया हमें और धप्पा हो गया, फिर हमें इसके साथ जाना पड़ा। ये देखिए इसको भी हमें लेना पड़ा अपने साथ। तो गाइस अब हम आपको मिलते हैं सीधा शादी में जाके, बाय बाय। दोस्तों बारात आ चुकी है और हम भी आ चुके हैं बारात के साथ साथ। हम बरातों की तरफ से नहीं है वैसे, हम लड़की वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। ज्यादा दूर नहीं था एक्चुअली ना, पास ही था, बट बहुत ठंड है इसलिए हम लोग गाड़ी में आए। ये देखो इसको, ही इज एंजॉयिंग। सो वी हैव रीच्ड अंश टावर। ओके गाइस, इतनी ठंड है ना, सबसे ज्यादा आफत आती है ठंड में शादी में किसी फंक्शन में जाने में, तैयार होने में। मुझे तो सर्दी पसंद नहीं है। I love सर्दी by the way। चलो गाइस मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। आगे गाड़ी खड़ी है। वेट आंट वेट। और भीड़ देखो भीड़। हम लोग बैक साइड से आए क्या? है ना? हम सीधा खाने वाले साइड से आए गाइस। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, देखो भीड़ कितनी हो रही है। ये देखो दोनों छोरा, आमा छोरा को, ये पीछे एक और आ रहे हैं हमारे साथ। घुंटे का डांस करना तेज था, एकदम उछल लिया घुंटे का डांस। घुंटे का दोबारा, चलो बना रखा मैंने कंटिन्यूअसली। बहुत मरेगा ये, मैंने बनाया नहीं था ये। खड़े हो, खड़े हो। वो तो आउट ऑफ कंट्रोल बाउंड्री चला जाता है फिर। गाइस हम जा रहे हैं घर, हम ज्यादा शूट नहीं कर पाए। एक तो आज बहुत ठंड है बाहर, बहुत मुंह से तो ऐसे फॉग निकल रहा था जैसे ओ माय गॉड, मत
इतना स्मोक निकल रहा था। बहुत स्पेशल है ठीक है, अंदर होगा बहुत ठंड है। बस अब हम घर जा रहे हैं, जल्दी हम लोगों ने खाया, पेट पूजा किया और हम निकल रहे हैं। इससे ज्यादा शूट नहीं कर पाए थे बच्चे लोग ना, फिर बहुत ज्यादा वहाँ पे ना करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो ना बहुत ठंड होती है वहाँ पे, तो इसीलिए तैयार नहीं लड़का। तो हम आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज सोल सिस्टर्स। बाय बाय।